तो क्या कूले हम पार्ट थ्री डिड यू एंजॉय मस्ती डिड यू एंजॉय क्या कूले हम हैव यू लाइक द ट्रेलर हैव यू सीन इट लाउडर आर यू गाइस कूल यो यू गाइस आर ऑसम स्टाफी वांट टू स्टार्ट दैट अच्छा पॉन कॉम इसलिए क्योंकि कॉमेडी तो है ही अडल्ट कॉमेडी तो है ही लेकिन पहली बार कैन आई स्पीक इन हिंदी लेकिन पहली बार पॉन इंडस्ट्री को लेकर मतलब इन लड़कों के साथ क्या होता है मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ लड़के अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं अच्छा आपके टीचर्स हैं यहाँ पर ओह माय गॉड टीचर्स गुड इवनिंग एक्चुअली हम एक बहुत साफ सुथरी संस्कार वाली पिक्चर बना रहे हैं जाते नहीं है फंस जाते हैं पॉर्न इंडस्ट्री में और वहाँ उनके साथ मतलब क्या होता है कैसे उनकी फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और फैमिली जब पॉर्न इंडस्ट्री वाली एक दूसरी फैमिली के साथ मिल जाती है तो क्या कॉमेडी होता है उसके बाद वो आपको इस फिल्म में दिखाई देगा सो इट्स अ फिल्म फॉर ऑल एज ग्रुप इट्स एन अडल्ट फिल्म बट डेफिनेटली पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स विल लाइक इट एंड प्लीज 22 जनवरी को जाकर देखिए अगर आपको क्या कूल वन क्या कूल टू पसंद आई ग्रैंड मस्ती मस्ती पसंद आई तो ये आपको त्रिकोण तरीके से पसंद आएगी A huge round of applause for Go Hard Come for Sandra 2015. Thank you boys, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन है आप लोग सच में बहुत कूल हो Hi guys. It's so lovely being here. All you fantastic teachers and what an amazing crowd. अभी अभी तुषार और आफ्ताब कह रहे थे कि मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया है ये फिल्म में तो वो किस गाने में है और कैन आई टेल यू इट्स फैंटास्टिक इट्स बीन सांग बाय कनिका कपूर लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सॉन्ग word they've actually picked up and good job boys good job and I can't wait for all of you to see the video it's going to be releasing very very soon I think on Monday yeah, yes Monday. Very soon Monday watch this song on TV and on New Year's I'm sure you will be dancing to this song I have 100% guarantee start with Christmas this is a Christmas song okay why don't you guys sing जो भी याद आता है आप प्लीज गाइए हुक लाइन हमारे साथ गाइए ओके ओए होए जवानी ले डूबी 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 क्या बात है सुपर
एक्चुअली यूथ के बीच में जब भी आप कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली उसका मज़ा ही और होता है, एंड स्पेशली कॉलेज में एक एनर्जी अलग होती है, एक एक्सेप्टेंस अलग होता है. तो हमारा अमेजिंग गाना यहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं, आज पहली बार लोगों ने सुना है. वीडियो ऑफ कोर्स दो तीन दिन बाद आएगा, बट आई थिंक तुषार आफ्ताब एंड आई हैड अ ब्लास्ट डूइंग दैट. Yes. The crowd was awesome. The crowd was amazing. मतलब इतने सारे students को देखकर और उनका जो excitement और ये था, it kind of just gave us the motivation to do a little bit of a jig on stage. So we had a blast, and of course, like Gaur said, हम लोग अपना नया गाना, पहला गाना actually launch करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो भी हम लोगों ने किया, जो it's never been done before. So it's a first time experience for everybody, and it's like a tribute to the college students to give them something back. So can we also say that the trailer is going viral on YouTube? No doubt in that. People also claim it as a vulgar movie, the finest vulgar movie till date made. The finest vulgar movie. The finest vulgar movie. After the trailer, what is your comment on that? We have made two. If you're saying this is a fine vulgar movie, then there've been two fine vulgar movies before this, and both have done very very well. Yeah. So agar ye aur bhi fine hogi to acha hai, ye logon ne accept kiya hai. But that's a wrong word to use. It's definitely an adult film, but it's a film that will entertain you, make you laugh, and not every vulgar movie works. So don't underestimate the power of the audience. The audience decide what's good, what's not good, what's aesthetic, what's not aesthetic, and I'm sure they will love Kya Cool M3 the way they loved Part 1 and Part 2. और कौन स्टार्स बने हो आप, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए प्लीज सर. वो तो आप फिल्में देखिए ना, हम कैसे बन जाते हैं और क्या होता है हमारे साथ उसके बाद, वो मतलब बैंकॉक में आप क्यों जाते हैं, मतलब गौर का गाना तो हमारे सपने में आता है, लेकिन उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या क्या दिया क्या कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है हमारे साथ, वो आप देखेंगे फिल्म में. पॉर्न स्टार्स के साथ क्या कॉमेडी एरर्स होता है, फैमिली कैसे आ जाती है इस पॉर्न फैमिली के साथ. यू सी द फिल्म, व्हाट वाज योर फर्स्ट एज व्हेन यू सॉ अ पॉर्न मूवी? व्हाट वाज माय फर्स्ट एज? व्हाट वाज योर एज? माय फर्स्ट एज व्हेन आई सॉ माय फर्स्ट पॉर्न मूवी? नो, हम लोग वी वर इन स्कूल, आई वाज इन द 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई सॉ माय फर्स्ट एडल्ट फिल्म. And I got caught also. Jankar, can you take it down? What are you saying? Nowadays, you hear all these kind of statements, you start thinking, what is he saying? Okay. Hanji. Chanjar. How was the beginning of the year and your film is releasing? So, it's thoda, people look forward to the film which are the earlier actually year, you know? I think to be honest, मुझे लगता है कि people look forward to films that they are excited to see. जो promos के तौर पर लोग film देखते हैं, I believe that they identify what they want to see and what they don't want to see. मतलब इतने सारे promos आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग फिल्में वो जाकर देखेंगे. I think if a promo is exciting enough, then people will watch the film. और हम ये मानते हैं और ये समझते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो promo है, it is exciting enough for people to watch the film. क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से एक्चुअली ये फिल्म बनाई है, ऐसा लग रहा है कि ये एक अडल्ट कॉमेडी है, ये वो सब पूरा जो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ अ रियली 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 फनी फिल्म. एंड आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद शायद लोगों को पसंद आ रहा है, बोला कि इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो हमें देखना चाहिए. आफ्टर जब आपको ये फिल्म कहानी सुनाई गई, बताया गया इसके बारे में, तो आपने ये इसकी स्क्रिप्ट डिस्कस की थी अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से कि मैं ऐसे करना कुछ? नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं. हालांकि मैंने अपने वाइफ से डिस्कस किया था, एंड शी वॉज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी इनकरेजिंग, एंड शी वॉज लाइक वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. हमारे लिए नया जॉनर नहीं है, ये हम मजे हुए खिलाड़ी हैं इस जॉनर के. तो आप शायद नए हो इस फील्ड में, लेकिन हमने मतलब 2-2.5 फिल्में करके आए हैं हम, तो ये हम हमारे रोज का काम है. एंड वर्क इज वर्क, या व्हाटएवर जॉनर यू डू, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट एंड जस्ट टेक इट एज वर्क.